तो हेलो गाइस, तो आज मैं आया हूँ केस कटाने के लिए, यानी कि बाल बनाने के लिए। और ये कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट मैं आया हूँ और ये है, इसी से मैं बाल बनाता हूँ। और रेगुलर मैं इन्हीं से बाल बनाने के लिए आता हूँ। और ये अब तैयार हो चुके हैं और बाल बनाने के लिए। तो चलिए भाई साहब, शुरू कीजिए। मैन रोड पे क्या ही लूँ? ना ना अंदर है ना। अंदर है। भाई आराम आराम। साबुन तो नहीं लगा ना? हो दलता वाला ना? दलता वाला बोले हमारे ने हुआ दो साल ने हुआ है। साबुन ने देना साबुन ना, साबुन देने तो रेडी हो गया हूँ, बाल बन चुका है। अब मैं घर जाऊँगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा बाल जो काटा है। अरे बारे बार गिरना। अरे भाई अभी उम्र नहीं हुआ। हाँ तो भाई साहब जो केस बनाए हैं यही है जो इन्हीं से मैं बनाता हूँ। और हाँ, अब मैं थोड़ी देर के बाद घर जाने वाला हूँ। भाई मैं पहली बार बताता हूँ, मैं इनको पैसा नहीं देता हूँ, ठीक है? दो तैयारी में चल जाता है। नहीं, कैमरा करने के बाद बोलूंगा कितना दिन है, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू गाइस। मैं अभी आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, जैसे कि अभी मैं जस्ट बाल बना के आया हूँ और मैं घर जा रहा था, बट सोचा कि घर नहीं, मैं यहाँ थोड़ा घूम लेता हूँ। और मैं आप लोगों को एक अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, वो थोड़ा आगे है, आगे जाने के बाद आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं बाइक पे हूँ, बाइक चला तो नहीं रहा हूँ बट रुका हुआ हूँ, अभी रास्ता में हूँ। थोड़ी देर के बाद आगे है जो जगह पे मैं जाऊँगा, आपको वहीं पे दिखाऊँगा। ये रास्ता है और ये हम लोग के गांव का रास्ता है जो, तो आगे चलते हैं। अभी मैं पूरी यहाँ पे जाने में लगभग 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट नहीं समझते हैं, 2 मिनट लगेगा तो जाने में। मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, अभी बाइक पे हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ।
थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। बस कमिंग सन। यहां पे तो बहुत गाइस, मैं अभी यहां पे आ चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह पे ले जाने जा रहा हूं और आपको लोगों को दिखा रहा हूं कि कौन सी जगह है। और ये साइट का जगह है जो आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जगह जिस जगह पे मैं अभी आपको स्पेशली लाया हूँ। वो रहा वो जगह है जहाँ पे पानी आता है और इसी जगह पे पानी ज़्यादा रहता है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि इतना पानी है, मुझे तो डर लग रहा है। देखिए आप, इतना बारिश है, बाप रे लग रहा है। वाह क्या पानी है, क्या यहाँ पे तीन फाटक है, एक दो तीन, इस पर चढ़ ही सकते हैं आप चाहें तो। मैं तो चढ़ूँगा। आगे का इधर का पानी देखिएगा आप कितना है, बहुत ज़्यादा पानी है। इधर कोई गिर जाएगा तो समझो वो बच नहीं पाएगा। इधर पूरा उपडाम हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। डैम बहुत बड़ा नदी है, ये नदी नहीं नहर है। और यहाँ पे एक फाटक दिया गया है छोटा सा जो इस साइड पानी जाता है, इधर निकलता है इस साइड से। आपको मैं इस पर चढ़ के दिखाता हूँ जिस पर मैं चढ़ भी जाता हूँ। अरे बाबा मुझे डर लग रहा है इसे, ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा है भाई, बहुत अच्छा नज़ारा है। आप लोग बता नहीं सकता हूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा है जो क्या नज़ारा है। यहाँ का व्यू आप देख सकते हो जो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये फाटक है और इतना बारिश हो रही है, इतना पानी है कि अगर मैं इस पर गया तो मैं डूब जाऊँगा, सचमुच में डूब जाऊँगा। और यहाँ पे कोई अभी बचाने के लिए भी नहीं है। तो गाइस चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरा कभी भी अकेला नहीं आता हूँ, कोई ना कोई रहता है मेरे साथ। आज भी मैं अकेला हूँ और यहाँ पे कोई है भी नहीं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो मुझे यहाँ पे कोई बचा भी नहीं सकता है। और हाँ, मुझे तैरना भी उतना अच्छी तरह से नहीं आता है, बट तैरने की बात नहीं है, इससे चोट ज़्यादा लगेगा। तैरने की वजह से, डूबने की वजह से तो नहीं मरेगा, बट इसमें चोट लगेगा इसकी वजह से मर सकता है, कुछ टूट जाए वो हो सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं इतना अच्छा नज़ारा है, आप दिल में है आ जाओ बेसब्री, इधर का ये एकदम बड़ा नज़ारा देख सकते हैं आप, इतना अच्छा लग रहा है, वाओ सो नज़ारा। तो डर लग रहा है भाई, मेरा बाइक है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इधर कैसे का आवाज़ है, यहाँ पे मछली मरा हुआ है, मछली को आप इसमें आवाज़ कर रहा है जो मुझे क्या पता। लोग आइज देखता हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है मुझे। इतना पानी क्या बताऊं, तो डर लग रहा है, इतना पानी यहाँ पे उठ रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा है इतना पानी, सारा पानी नीचे आ रही है क्या। भाई देख सकते हैं इतना पानी, ये तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, इधर से पानी देख सकते हैं कितना गहरा है, वहाँ पे भी ये कर दिया गया है। आप देखते हैं घर बहुत दूर है, चल रहा हूँ इस पर से, और मैं अभी इधर का आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कितना अच्छा लग रहा है। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा,
था, इसकी कारीगरी की गई है इस तरह से, और उसकी पानी बह रही है, आदमी डूब भी सकता है। तो देखिए पानी किस तरह से उबर रहा है गाइस, कितना उठ रहा है पानी, बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा है कि इतना नदी में पानी आ चुका है। चलिए गाइस जो देखते हैं, ये गाइस देखिए मेरा बाइक को आपने देखा है कितना अच्छा है बाइक, देखिए मेरी बाइक को, क्या आपको ये बाइक अच्छी लग रही है? तो गाइस अब मैं वीडियो को ब्लॉग अब, तो गाइस मैं अपना वीडियो अब ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पे। तो थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग, और मैं अपना नाम बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम आशिक अली हुआ, तो आप लोग मेरा नाम नहीं जानते थे, और हम इसके इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर का भी लिंक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू फॉर वॉच गाइस, बाय बाय।